कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे लोहे बाजार की जानकारी। मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं लोहे बाजार की जानकारी के साथ, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस सिंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, एमएस सिंगट टोल स्क्रैप का कन्वर्जन रेट क्या है, इसके साथ साथ कास्ट आयरन का भाव, HRC CRC कॉइल के भाव क्या रहे, साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है, इसकी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरिया के बाजार में किस तरीके से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, इसकी जानकारी भी देंगे। तो चलिए बात करेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की बात करी जाए तो कल भी बाजारों में ऊपरी स्तर से आपने देखा बाजारों में गिरावट आई। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, बाजार में गिरावट आ रही है, गिरावट पर अच्छा मौका बनेगा, आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एमएस सिंगट का भाव कल 49,100 रुपए हो गया, इसमें 400 रुपए की गिरावट दर्ज करेगी। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग हमारा 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके पुराने लोहे की अगर बात करेंगे तो 38,300 रुपए का भाव हो गया, इसमें भी ऊपरी स्तर से 400 रुपए की गिरावट दर्ज करेगी। एमएस सिंगट टोल स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,800 रुपए हो गया, जैसे कि हमने पहले ही आप लोगों को कल सूचना दी थी कि बाजारों में कन्वर्जन रेट आने वाले समय में बढ़ सकता है। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,500 रुपए रहा, इंपोर्टेड का भाव 41,500 रुपए देखा गया। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करिए। HRC CRC कॉइल की बात कर लेते हैं। लुधियाना HRC कॉइल का भाव 56,000 रुपए पे स्थिर बना रहा, CRC कॉइल का भाव 61,500 रुपए, गाजियाबाद HRC कॉइल का भाव 55,000 रुपए, CRC कॉइल का भाव 62,000 रुपए रहा। इसी तरीके कोलकाता HRC सीट का भाव 55,000 रुपए, CRC सीट का भाव 62,000 रुपए रहा। चलिए जानेंगे रायपुर HB वायर की क्या स्थिति है। रायपुर HB वायर का भाव 53,300 रुपए, GI वायर का भाव 57,500 रुपए, MS पाइप की अगर बात करेंगे तो गोविंदगढ़ पाइप का भाव 52,400 रुपए रहा, रायपुर पाइप का भाव 51,200 रुपए। बाजारों में कामकाज हुआ तो आप देख के चल सकते हैं कि रायपुर HB वायर, GI वायर, गोविंदगढ़ पाइप, रायपुर पाइप के भाव में भी ऊपरी स्तर से लगभग 300-400 रुपए प्रति टन की गिरावट दर्ज करी गई। इसका मुख्य कारण जो इंगट में गिरावट आती है उसका रिफ्लेक्शन बाजारों में साफ साफ बाजारों में देखने के लिए मिलता है। चलिए जानेंगे कुछ मंडियों के TMT के भाव क्या रहे। मंडी गोविंदगढ़ TMT का भाव 54,100 रुपए हो गया, इस पर भी 300 रुपए प्रति टन की गिरावट आई। दुर्गापुर का भाव 51,200 रुपए हो गया, इंदौर का भाव 55,000 रुपए, रायपुर का भाव 50,800 रुपए, जयपुर का भाव 54,600 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 52,800 रुपए, भावनगर की अगर बात करेंगे तो 54,900 रुपए, गाजियाबाद का भाव 53,600 रुपए रहा, जलना का भाव 55,900 रुपए, पटना का भाव 52,200 रुपए रहा। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं सभी TMT के भाव में ऊपरी स्तर से एक नरमी दर्ज करेगी। बाजारों में कहीं बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, बाजार अगर कहीं घट के आता है और 53,500 रुपए के आसपास मंडी को इनका TMT का बाजार आता है तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में बाजारों में एक अच्छी रिकवरी बाजारों में आपको दिखाई देकर चल सकती है। इसी के तहत आज के एमएस सिंगट का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। आज के एमएस सिंगट का सपोर्ट का लेवल 48,500 रुपए का है, रेजिस्टेंस का लेवल 49,800 रुपए का। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार बाजार अगर 49,000 रुपए के ऊपर सस्टेन होगा तो बाजारों में आप ऊपरी स्तर में 49,700 से 800 रुपए के लेवल देखेंगे, अन्यथा बाजारों में 200-300 रुपए की से गिरावट भी आप बाजारों में निचले स्तर पर आप देख के चल सकते हैं। बाजार एक नैरो रेंज में बाजारों में कामकाज हो रहा है, बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी, बहुत ज्यादा गिरावट के आसार फिलहाल नहीं देखे जा रहे। बाजार में गिरावट पर एक अच्छा मौका है, गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी तरह गोविंदगढ़ एमएस स्क्रैप का सपोर्ट का लेवल 37,700 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 38,900 रुपए का देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार पुराने लोहे में भी आप अभी कन्वर्जन रेट अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप बाजारों में और भी गिरावट देखेंगे, तो बाजारों में गिरावट पे आपको सही मौका मिलेगा, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट।